हाय देयर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स का टैब क्या है, यूज़र्स का टैब क्या है और टूल्स का टैब क्या है, और फर्दर मोर उनमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र ऑन कर लें और अपनी वेबसाइट में आ जाएं। वेबसाइट में आने के बाद आप इसके डैशबोर्ड में आ जाएं। डैशबोर्ड में आके आप देख सकते हैं कि ये अपेयरेंस, लास्ट टाइम हमने बात की थी अपेयरेंस के टैब में, और उसमें जो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उस पर हमने बात की थी। ये इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लगइन्स पे, उसके बाद यूज़र्स के टैब पे और लास्ट में टूल्स के टैब पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लगइन्स का टैब क्या है और उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आप प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जब भी हम किसी इनमें से टैब पे क्लिक करते हैं तो उसमें उस टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो डिस्प्ले होता है। मतलब अगर मैंने पेजेस पे क्लिक किया है तो ऑल पेजेस का जो ऑप्शन होगा वो हाईलाइट होके उसमें जो ऑप्शन है वो मुझे नज़र आएगा। मैंने प्लगइन्स पे क्लिक किया तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, तो वो हाईलाइट हो गया, मतलब ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के टैब में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। ओके, अगर आपने देखना हो कि टोटल कितने प्लगइन्स इंस्टॉल हैं तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ये टोटल जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे जिनका स्टेटस एक्टिव होगा। एक्टिव क्या स्टेटस, मतलब वो इंस्टॉल भी हैं और अभी काम भी कर रहे हैं। जो प्लगइन्स एक्टिव होते हैं वो इंस्टॉल भी होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है उनको कर रहे होते हैं। और दूसरा स्टेटस होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव स्टेटस ये होता है कि प्लगइन इंस्टॉल तो है लेकिन वो अपनी फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा, वो अभी इनएक्टिव स्टेट में है। अगर आपने देखना हो कि कौन कौन सा प्लगइन एक्टिव है तो आप एक्टिव के टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये वो सारे प्लगइन्स हैं जो इस वक्त एक्टिव स्टेट में हैं। अगर आपने किसी प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है तो आप देख सकते हैं हर एक प्लगइन के नीचे एक ऑप्शन है डीएक्टिवेट। अगर आप उसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, लेट्स से कि हमें ये वाला प्लगइन अभी इसकी फंक्शनैलिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 5 था, अब 4 प्लगइन्स एक्टिवेट रह गया और वो प्लगइन WP फास्टेस्ट कैश यहाँ से रिमूव हो गया। वो प्लगइन अब कहाँ पे, ये हमारे पास एक्टिव प्लगइन्स थे। अगर आपने देखने हो कि वो इनएक्टिव प्लगइन्स कहाँ पे हैं सारे, तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट टैब हमारे पास इनएक्टिव है। अगर आपने एक से ज़्यादा प्लगइन्स को एक साथ डीएक्टिवेट करना हो या एक्टिवेट करना हो तो आप उन प्लगइन्स को यहाँ से चेक मार्क करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एडिटर है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएक्टिवेट। ओके, अगर आप इसको करके डीएक्टिवेट कर देंगे और अप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने देखना हो कि डीएक्टिवेटेड प्लगइन्स कौन कौन से हैं तो आप इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये वो सारे इनएक्टिव प्लगइन्स हैं। आपने यहाँ से किसी प्लगइन को एक्टिव करना हो तो आप सिर्फ एक्टिव के बटन पर क्लिक करें, वो प्लगइन एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव के टैब में चला जाएगा। उसके बाद ये रीसेंट एक्टिव, ये इतना ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वो प्लगइन्स दिखा रहा है जो एक्टिव थे और अभी इनएक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट टैब है अपडेट अवेलेबल, यहाँ पे जिन प्लगइन्स का अपडेट अवेलेबल है, मतलब ये प्लगइन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये प्लगइन कह रहा है देयर इज़ अ न्यू वर्जन फॉर एलिमेंटर अवेलेबल, मतलब जिन जिन प्लगइन्स के लिए अपडेट अवेलेबल होगा वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे। आल के टैब में ये सारी फंक्शनैलिटी नज़र आ रही होगी, मतलब वहाँ पर इनएक्टिव प्लगइन्स भी नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर सारे एक्टिव प्लगइन्स भी नज़र आ रहे होंगे और वहाँ पर वो जिन प्लगइन्स की अपडेट आई होगी वो भी नज़र आ रही होगी। इसका मतलब कि आपको जो भी काम करना हो आप वो आल के टैब में रह के कर सकते हैं। आपने अगर किसी प्लगइन को डिलीट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट पे क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें, वो प्लगइन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी न्यू प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐड न्यू का बटन है और सेम बटन यहाँ पे भी है, ये दोनों अगर आप बटन किसी भी एक बटन को दबाएंगे तो आप ऐड न्यू के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने फिर जिस भी प्लगइन को ऐड करना हो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से प्लगइन को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद वो प्लगइन यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और जिस भी प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना हो बस आप उसके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे वो प्लगइन इंस्टॉल होने लग पड़ेगा, उसकी फाइलें डाउनलोड होंगी। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। वो प्लगइन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही ये प्लगइन की डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगी ये इंस्टॉलिंग का बटन एक्टिव के बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक्टिव का बटन आ जाएगा। अगर आप उसको दबाएंगे तो ये प्लगइन एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करने लग पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो ये इंस्टॉल नाउ का बटन एक्टिव के बटन में क्लिक कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्टिव के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं कि ये वो प्लगइन है, ये एक्टिवेट हो गया और यहाँ पर ये इसका टैब भी आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने
इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है तो बस आप इसके डीएक्टिवेट पे क्लिक करें, ये प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें, ये प्लगइन डिलीट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट से डिलीट रिमूव हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन है वो प्लगइन एडिटर है, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, मीन के ये जो बिगनर यूजर्स होते हैं वर्डप्रेस के लिए उनके लिए नहीं है, और सिर्फ उनके लिए है जो प्लगइन की डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देखने हो तो आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के टैब में आ जाएं, और अगर कोई न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो ऐड न्यू में आ जाएं। अगर आप इस प्लगइन एडिटर में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप किसी प्लगइन की कोई सेटिंग को चेंज कर देंगे तो वो प्लगइन काम करना बंद कर देगा, तो इस वजह से ये टैब आप यूज़ ना करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र्स का टैब। यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जितने यूज़र्स होंगे वो सारे लिस्ट हुए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडमिन का यूज़र जिसके थ्रू हमने डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं वो यहाँ पे वो मेंशन है। उसके बाद अगर आपने एक नया यूज़र ऐड करना हो तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे, यहाँ से आप एक नया यूज़र ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़र ऐड करते वक्त आपको एक यूज़र नेम देना पड़ेगा, ये यूज़र नेम कौन सा है जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड में लॉगिन होगा। ओके, यूज़र नेम रिक्वायर्ड है और उसके बाद ईमेल रिक्वायर्ड है, या तो वो यूज़र यूज़र नेम के साथ यूज़र नेम दे के और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकता है, या फिर ईमेल दे के और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकता है। तो हमने यूज़र नेम इसका रख दिया यूज़र, और ईमेल इसकी रख दी user@demo.com। उसके बाद फर्स्ट नेम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, ये एडिटेबल भी है। यूज़र नेम एडिटेबल नहीं है, मतलब आपने एक दफ़ा जो यूज़र नेम रख दिया उसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, ईमेल आप एडिट कर सकते हैं। ओके, यूज़र नेम एडिटेबल नहीं है। उसके बाद फर्स्ट नेम ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप जो भी चाहें रख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट नेम हो वो आप रख सकते हैं। और लास्ट नेम ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं, ये भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इस आदमी की कोई वेबसाइट है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक पासवर्ड बना सकते हैं इसका, ये कौन सा पासवर्ड है जिस पासवर्ड के थ्रू ये इसके WP एडमिन में लॉगिन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप उसका पासवर्ड हम यहाँ पे उसका रख लेंगे, और यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड वीक होगा तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप जब यूज़र बना रहे हो आप उस यूज़र को एक ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल कहाँ पे जाएगी, ये जो आपने ईमेल लिखी हुई है इस ईमेल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा इस सारी डिटेल के साथ कि आपका इस वेबसाइट में एक अकाउंट बन गया है और ये उस अकाउंट की डिटेल्स हैं। ओके, अगर आप उस यूज़र को कोई एक ईमेल भेजना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो आप इसको चेक कर दें, और अगर आप नहीं भेजना चाहते तो इसको अनचेक रहने दें, मैं अभी इसको अनचेक रहने दूंगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है रोल, ये क्या चीज़ है कि ये जो आप यूज़र बना रहे हैं इसका रोल क्या है वेबसाइट में, क्या ये वेबसाइट में सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइबर होता है वो इसके WP एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो कंट्रीब्यूटर होता है वो सिंपल जो मतलब कि वेबसाइट का एक विजिटर है वो भी वेबसाइट को एक्सेस इसके WP एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है ऑथर, ऑथर क्या है, ऑथर होता है जो पोस्ट्स बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो यूज़र पोस्ट बना रहा है आप उसका एक यूज़र बनाना चाह रहे हैं ताकि वो अपने यूज़र के थ्रू WP एडमिन में लॉगिन हो सके, तो आप उसका रोल रखेंगे ऑथर, जो पोस्ट बनाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रोल है एडिटर, एडिटर का क्या है, जो पोस्ट्स भी बना सकता है और साथ में पेजेस भी बना सकता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास रोल आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है कि जो जिस वो सेम यूज़र होगा जो आपका यूज़र है, जो एडमिन यूज़र है उसके पास ये सारी जितने ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट यूज़र बनता है वो भी एडमिन यूज़र होता है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब वो यूज़र एडमिन यूज़र होता है। और अगर आप चाहें तो एक और एडमिन यूज़र यहाँ से भी बना सकते हैं, जितने आप एडमिन यूज़र चाहें बना सकते हैं, लेकिन एडमिन यूज़र के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, वो चाहे तो आपका अकाउंट डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ से आप उस यूज़र का रोल सिलेक्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ पोस्ट बना सके तो उसका रोल हो जाएगा ऑथर, अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट्स को एडिट कर सके और पेजेस को एडिट कर सके तो उसका रोल होगा एडिटर, और अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट एडमिन हो साइट का, सारे उसके पास फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो तो उसका रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम अभी एक ऑथर बनाएंगे जो सिर्फ पोस्ट बना सकेगा, हम ऑथर को सिलेक्ट करेंगे और ऐड न्यू यूज़र करेंगे। जैसे ही हमने ऐड न्यू यूज़र किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यू यूज़र आ गया। अगर आपने इसकी किसी डिटेल को एडिट करना है या अपनी किसी डिटेल को एडिट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस यूज़र
के टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी ये सारी डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़र नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये जो आपने रख दिया वही रहेगा। उसके बाद इसकी ये ईमेल है। उसके बाद ये यहाँ पे आप इसका रोल देख सकते हैं। रोल आप इसका बाद में एडिट कर सकते हैं कि आपने इसको ऑथर बनाया था, बाद में आपने कहा कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, तो आप बस इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देंगे, ये एडमिन बन जाएगा। हम अभी इसे ऑथर ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट नेम और बाकी यहाँ से ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल भी आप चेंज कर सकते हैं अगर इसकी ईमेल चेंज करनी हो। उसके बाद अगर आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड, आप एक नया पासवर्ड इसका रख सकते हैं। यहाँ पे आप बस न्यू पासवर्ड टाइप कर देंगे और अपडेट पे, यहाँ पे अगर पासवर्ड वीक होगा तो कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड और अपडेट यूज़र, ये इसका पासवर्ड चेंज हो गया और अब आप उसको एक नया पासवर्ड बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो टैब थे, लास्ट हमारे पास टैब है योर प्रोफाइल। यहाँ पे क्या है, ये सेम टैब है कि अगर हम यहाँ से योर प्रोफाइल पे क्लिक कर लें या फिर ऑल यूजर्स में से अपने यूज़र के एडिट पे क्लिक कर लें, ये भी हमें अपनी प्रोफाइल के एडिट पेज पे ले आएगा। और ये योर प्रोफाइल, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो ये इस टैब में आ गया, योर प्रोफाइल। मतलब ये दोनों टैब सेम है। और इस पेज में आने का एक और तरीका क्या है कि आप यहाँ पे ऑल यूज़र में, मतलब अभी ये एक्टिव यूज़र ये है क्योंकि ये हाईलाइट है, मैं यहाँ पे इस पे होवर करता हूँ और यहाँ पे एडिट माई प्रोफाइल, ये इसका तीसरा तरीका है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सेम टैब में आ गया। यहाँ पे आप अपने यूज़र की जो डिटेल्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूज़र्स का टैब और उसमें जो जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं।